आंवला से अवधेश यादव की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अलीगंज के ग्राम कैनी इंचौर झूना नगर के मेहरबान राठौर ने अपनी बेटी शिवानी की शादी 25 जून 2018 को ग्राम बलेई थाना बिशारतगंज में रिंकू पुत्र ख्यालीराम से की थी। शादी के कुछ समय बाद पति रिंकू शिवानी को। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी है? क्या मामला हो गया आपका? ये रिंकू ना हमारी लड़की के मार जा रही दहेज के पीछे। क्या नाम है आपकी लड़की का? शिवानी। दामाद का क्या नाम है आपके? रिंकू। क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया? रिंकू ने टिटुआ दे के पेट बताल ला धर के प्राण निकालता है मेरे घर के। एक पैर में दी बिछिया, एक पैर में एक बिछिया रहेगा। क्यों, इसका कारण क्या था मारने का? दहेज के पीछे मारी में चले जाए तुम्हें का दे दो, उनको ये तो दो, मुझको का दे दो। अब बताओ हमने का चीज ना दो। आपको सूचना कैसे मिली थी? आपकी सूचना हमें तो भैया जैसे ही तो आने हमें बताई, रिंकू हमें खबर ना करी करता है। फिर आप पहुंची थी मौके पे? मौके पर पहुंची थी वहाँ? मौके पर पहुंच गए, यानी हम लेकर ना पहुंचे तो हमारे मिस्त्री कहते फूकने को ले जा रहे। अच्छा, वो फूकने को ले जा रहे थे? हाँ, जो ही तो रोकी है लास तो हमें धीरे हमें मिली है भैया, अगर कहीं ले जा रहे हैं। अरे ये फिर गए तो तुम सब लोग भाज क्यों गए? घर रहते भाज गए तुम सब ने कोई हम मैं धीरे पेट में इलाज में पड़ी ही धोती ना पहने भाई अटट्टी फिर रही अटट्टी में धिया फिर रही दोनों बीमारी सास में अब लड़का दोनों हाँ। क्या नाम है आपका? छत्रपाल राठौर। कहाँ के निवासी हैं? कैनी इंचौर झूना नगर। क्या मामला हो गया है? वो हमारी भतीजी थी, उन लोगों ने पेट में लात मार मार के गले में दबा के मार दी। किन लोगों ने? उनके पति ने, रिंकू नाम के। कहाँ के निवासी है? वो है बिसातन जी पासन बलेई। कब का मामला है ये? कल शाम 5 बजे का मामला है। आपको सूचना कैसे मिली? हमें कोई सूचना ना मिली, किसी व्यक्ति ने हमें फोन किया। किसी और लोगों ने फोन किया आपको? उनको हाँ, किसी और ने फोन किया। अगर हमको वे लोग तो आगे लगाने जा रहे थे तो हमारे भाई पहुंच गए, उन्होंने चिता रोक ली। चिता रोकने बाद फिर हम सब लोग बाद में गए, घर पे कोई नहीं मिला। फिर थाने में आपकी कोई बात सुनी? थाने में कोई बात नहीं सुनी। शाम जय कहते रहे, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, दरवाई साहब जी कहते रहे, बोले घंटा बैठो आधा घंटा बैठो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम इसमें न्याय लेने चाह रहे हैं।